मेरे को 10 साल से हाइटेस आने का प्रॉब्लम था। पीएचई स्टडी और मेलोमेट्री की सलाह दी। कल मेरा टेस्ट हुआ और आज पीएचई स्टडी टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। कल मेरा ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मैं 1-2 घंटे बाद चलना फिरना भी स्टार्ट कर दी हूँ। रात में मैंने उपमा और दाल चावल लिया था। अब मुझे अच्छा लग रहा है, बेहतर फील हो रहा है। सर्जरी के बाद मुझे खाने पीने में कोई अच्छा खासा मतलब दिक्कत नहीं हुई है। अब मैं ठीक हूँ और मैं आज अपने घर जा रही हूँ। मेरे ऑपरेशन को अब 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस टाइम पे मैंने कोई भी एसिडिटी की कोई दवाई नहीं ली है, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम जया पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आई हूँ। मेरे को 10 साल से हाइटेस आने का प्रॉब्लम था। मेरी उम्र 30 साल है और मैं मेडिसिन से चल रही थी। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाई, उन्होंने कहा कि इसका मेडिसिन लेते रहिए आप, तब ठीक रहेंगे। तो मैं मेडिसिन ले रही थी। फिर कल मैं अहमदाबाद आई, सर से मिली। मैंने सर से अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर चिराग ठक्कर जी से। फिर मैं कल आई उनसे मिली तो उन्होंने पीएचई स्टडी और मेलोमेट्री की सलाह दी। कल मेरा टेस्ट हुआ और आज पीएचई स्टडी टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं अच्छे से खाना खाई हूँ, घूमी भी हूँ, ट्रेवल भी की हूँ और रात को सोई भी अच्छे से हूँ। अब इसको निकालने के बाद आगे सर क्या कहेंगे देखते हैं। हेलो, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मेरा नाम जया पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे को हाइटेस आने का प्रॉब्लम था तो कल मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट के बारे में आपको मैं बताई थी। उस टेस्ट के बाद सर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी। फिर कल मेरा ऑपरेशन हो चुका है। करीबन 2 घंटे का लेजर ऑपरेशन था, उसके बाद मैं 1-2 घंटे बाद चलना फिरना भी स्टार्ट कर दी हूँ। रात में मैंने उपमा और दाल चावल लिया था, उसके बाद अच्छे से सोई भी थी। अब मुझे अच्छा लग रहा है, बेहतर फील हो रहा है। आज मेरा डिस्चार्ज भी होने वाला है और पूरी तरह से ठीक लग रहा है, मेरा डाइजेशन अच्छा लग रहा है। मैं जया पटेल छत्तीसगढ़ रायगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था, जैसा कि मैंने पहले बताया था। 2 दिन पहले मेरी सर्जरी हो गई है। सर्जरी के बाद मुझे खाने पीने में कोई अच्छा खासा मतलब दिक्कत नहीं हुई है। 2 दिन बाद मैं फॉलोअप के लिए आई थी। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पहले जैसा मुझे एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा है। मेरा जो पेट का प्रॉब्लम था पूरा अच्छा हो गया है। अब मैं ठीक हूँ और मैं आज अपने घर जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था, मेरे ऑपरेशन को अब 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस टाइम पे मैंने कोई भी एसिडिटी की कोई दवाई नहीं ली है, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ। और मुझको सर ने बताया था कि अच्छी नींद के लिए 15 मिनट का एक योगा करिए आप करके, वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ और मुझे पेट संबंधित कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि जिनको भी प्रॉब्लम हो वो अपना इलाज वहाँ जाके ज़रूर कराइए। और मैं सर डॉक्टर चिराग ठक्कर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतना अच्छा से मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरा ऑपरेशन किया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।